राम राम। आओ बैठो। तू काय हाल चाल छे? अपनो लीम सतवा तैयार कर लियो? वो हमको बनाउते नहीं आउतो नहीं। चलो तुम कहा बताई दियो, कल 15वो दिन छे कि ओका पर लीम सत्र को स्प्रे करनो छे। चलो बताई देवो नी, पर वो काम काय काय लागे असो सामान हम तैयार करा। लीम सत्व बनावना के लिए ना अपना का सूखी लीमोले आधा किलो चाहिए। फिर अपना का आधा लीटर पानी लेनो छे। जहाँ तक हुई सका अपना मिट्टी को बर्तन लेनो छे। एक फिर एक सूती कपड़ो लेनो छे। दो ग्राम साबन लेनो छे। फिर अपना का लीमोला ने कूटना के लिए ना उखले या ईमान दस्तू चाहिए। तो वो सामान तो सब छे अपने पास, पर वो बनाने को तरीको बताई देवो हमको। चलो तुम का बताई देवो हम। सबसे पहले निमोलाई का अपनो उखल में कुटीन पाउडर बना लिया। यो अपना पाउडर तैयार हुई गयो। 50 ग्राम पाउडर लेने पोटले बनाई लेंगे। ये नाक देव ना बनाई देव। ये अपने पोटले ही बनी गई। फिर अपना काय करनु छे, मिट्टी को एक बर्तन लेनु छे, ओका में आधा लीटर पानी डालनु छे ने फिर पोटले डुबाननु छे। हाँ। ये पोटले अपन डुबाई दी, फिर एक 12 से 14 घंटा तक डुबाई न रखनो छे। तो अपन को ये लीम सत्र को पाउडर तैयार हो गयो? अभी यो तैयार नहीं हुए, एक उठाई न धरी देवांगे, 12 घंटा बाद अपन देखांगे। बारह घंटा हुई गया, अभी अपन एक अच्छा से हिलाई देवांगे। अभी यह पोटले बाहर निकाल ले। हाँ। अभी ये ना पानी का अच्छो से हिलाई देवांगे ने फिर सूती कपड़ा से छानी ले। हाँ। अभी एना पानी में 2 ग्राम साबुन डालांगे, 2 ग्राम अनुमानित छे यो साबुन। एना पानी का हलाई देवांगे तो एका में साबुन घुलाई जाएगा। एका में 1/2 लीटर पानी मिलाई देवांगे तो 1 लीटर पानी हो जाएगा। अभी इन्हें पानी का पण अच्छो हिलाई देवांगे। यो अपनो लीम सत्व तैयार हो गयो। पहलो स्प्रे बीज उगना का बाद 15 दिन बाद में कापर स्प्रे करांगे, न दूसरो स्प्रे 10 दिन बाद करांगे। ये 25 दिन बाद दूसरो छिटकार करना छे।
हाँ दीदी तुम सही समझा अभी कि 25वां दिन बाद दूसरो स्प्रे करना छे। चलो काल हम लीम 17 की छिटकार कर देवांगे ना, तेरी अच्छी बात देना से तुम्हारो धन्यवाद। हाँ चलो हाँ जाई रहे, अभी नहीं समझ में आया तारू फोन लगा पूछ लीजियो। हाँ।